अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खरेस होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे। आप क्या हो रहा है? हुरो भाई के नाखून निकाले जा रहे हैं, है ना हुरो? है ना माँ? बहुत गंदे हो गए ना, नाखून बढ़ गए ना बहुत, है ना? तो हुरो इनके नाखून निकाल रहे हैं, ये क्योंकि ये निकालने नहीं देती किसको नाखून, लेकिन मुझे निकालने दे देती है ना माँ हुरो, है ना? तो अभी वो परेशान है कि ये क्या कर रही है बड़ी अम्मी। हाई करो माँ, हाई करो, इसमें कैमरे में हाई करो, वहाँ से हाई करो, हाय हाय। अभी हंसी उसने, अभी समझ में आया उसको। कभी इतनी गर्मी हो रही, लाइट हो के भी बहुत गर्मी हो रही, ठीक है तो हम लोग गैलरी में बैठे ना, हवा नहीं आ रही ज़रा भी। इतने सारे झाड़ लगा के रखे लेकिन कोई मतलब नहीं है, झाड़ का ज़रा भी हवा नहीं आ रही, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही झाड़ों। चाय दू वाली ना, चाय दू पापा, क्या डाली माँ उसको? सेंग। अच्छा हाँ हाँ, खाती है ना तुमको चाय दी ना मैंने? नहीं दी, दू चाय? बहुत आराम से निकाल देना माँ, अच्छे से निकाल देना। हाँ बराबर, कैसे बैठी आराम से, देखो ऐसा बैठती नहीं वो, है ना माँ? बोलो भाई बहुत अच्छी है, बोलो बहुत अच्छी है ना उरो? हुरो पापा बहुत क्यूट है, अलीना पापा के जैसा, है ना हुरो? है ना अलीना माँ? अलीना की दाढ़ सूज गई, दाढ़ निकल रही शायद उसकी, तो दाढ़ मुँह सूज गया उसका, ऐसा लग रहा एकदम वैसे गब्बू गब्बू लग रहा उसका चेहरा। वो उसको दाढ़ दी थी कुछ, सेंग डाल दी थी उसको। तो चलो अलीना को देती हूँ चाय, मैं इन आँखों निकाल जब तक मैं बैठी, इसलिए मैं बोली मैं नहीं बैठूंगी ना, तो हो सकता निकालने नहीं देंगी, इसलिए बैठी मैं इधर। हाँ बोलो ना पापा। हाँ हाँ हुरो बताओ, निकल गए नाखून बताओ? अरे वाह, क्लीन हो गया हुरो का हाथ, अभी साफ हो गया है ना, साफ हो गया ना? वो वाला हाथ बताओ, वो वाला हाथ बताओ हुरो, उधर वाला हाथ बताओ माँ, इधर वाला, ये वाला, ये वाला हाथ बताओ। अरे वाह, ये भी निकल गए पूरे, अरे वाह, स्मेल भी निकल गया पूरा, है ना हुरो? उसमें नाखून इसकी तरह जी पैर में इतने छोटे 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 नाखून। सना हट, मारे पापा तेको, अभी चिड़ेंगे तेको पापा, उसके बीच बीच में कर रही है लड़की। जाऊंगी मैं अपर लिफ्ट करा के आऊंगी, बहुत ज्यादा बढ़ गया, अच्छे दिख रहे। क्या बोलो? जा रही हूँ मूंछ कटाने के लिए, जाऊंगी आज मूंछ कटाने के लिए, है ना हुरो? मूंछ ही निकाल के आऊंगी मैं, ठीक है? मूंछ बहुत बढ़ गई है। हाँ और आगे ठीक है, बहुत बात आ रही थी, बाथरूम की बात आ रही, इधर से पाइप लगे वाले होते ना इधर, बोल रही हो अभी, सोच रही तो मुंडी झाक रही, वो सोच रही अच्छा हो रहा मेरे नाखून निकल रहे बोल के। इनके पास बैठती नहीं हूँ मगर बैठी कहते तुम, है ना माँ? और देखो कैसा बैठी, वो बैठी देखो ना कैसा, ओ इनके जैसा एकदम। वो मांडी पे हाथ भी रख के जरा देखो, ऐसा रखो माँ, ऐसा हाथ रखो, पहले कैसे रखे थे वैसा हाथ रखो, उधर हाथ रखो, ऐसा हाथ रखो, हो गए हाथ रखो, हाथ रखो, अबे बहुत ये कर रहे बच्चे, क्या बोलना, परेशान कर दिए। थाट देखो थाट, तो अभी शाम हो गई है और अभी जस्ट मैंने असर की नमाज पढ़ी और मैंने सोची चलो अभी ब्लॉग शुरू करती हूँ यहीं से, क्योंकि खाना आना बनाने के बाद फिर जो है ब्लॉग शुरू नहीं करी थी। तो अब जो है यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं पालक की भाजी जो है लेकर आई थी मेरे, इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी थी मैं क्या बताऊँ, मेरे भाभी भी जैसी की वैसी है। तो अभी मैं डालने जा रही हूँ चिड़िया को, उनको भी तो जान है ना, उनको भी तो खाने का मन करता है, सब्ज़ी वगैरह खाते हैं वो लोग शौक से। और ये मैंने मटकी लेकर आई थी तो मेरे को लग रहा है ये मटकी जो है अब वैसी नहीं रही पहले जैसी, एक मिनट चेक करती हूँ मोबाइल ना गिर जाए कहीं, मेरा दरवाजे के ऊपर रखी हूँ मैंने मोबाइल, तो मटकी जो है ला के काफ़ी दिन हो गया
फ्रिज को बंद कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टैंड के सामने सब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। बनाने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम मतलब मैं भूल ही जा रही थी, बार बार सोच रही थी बनाऊँ फिर भूल जा रही थी, सोच रही थी बनाने का फिर भूल जा रही थी। तो अच्छी तो है मटकी, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ चिड़िया लोग को डाल देती हूँ थोड़ी, और थोड़ी तोते को डालती हूँ हमारी जो है, ये देख सकते हैं आप लोग अच्छी मटकी है। उन लोग भी तो जान है ना, उन लोग भी तो खाते हैं शौक से। तो अभी थोड़ी डालूंगी, बाद में थोड़ी डालूंगी, एक साथ में नहीं डालूंगी थी, मतलब थोड़ी चिड़िया को थोड़ी तोते को डालूंगी। वो तोता बहुत बदमाश है, उसका नाम सोनम है, वो इतना ज़्यादा बदमाश है कि वो खाता नहीं है कुछ भी चीज़, सब गिरा गिरा के फेंक देता है। तो उसको थोड़ा सी डालूंगी, बाकी का चिड़िया को डालूंगी, वो लोग खा लेंगे। तो थोड़ी सी इतनी रख देती हूँ बचा के। और ये देखिए पालक की भाजी कितनी अच्छी फ्रेश है, अभी भी फ्रेश है, इसको ला के दो तीन दिन हो गया, अभी भी एकदम मस्त है हरी भरी। तो कोई बात नहीं, इसको हम डालेंगे चिड़िया को। गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। तो इसको ना कतर के डालेंगे, इसको ऐसा नहीं खाते, लोग कतर के डालना पड़ता। चलते हैं गैलरी में इसको लेके बाल करेंगे। गैलरी में क्या बोलते हैं कैमरे को सेट करती हूँ स्टूल के ऊपर। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट कर रहे थे उस दिन जब मैंने गैलरी से बालकनी से ब्लॉग जो शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा था बालकनी का व्यू। तो साफ़ सफाई करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, जो लोग इस कॉलोनी में रहते हैं उन लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। मोटर ख़राब हो गई तो पानी नहीं आ रहा है। जितना थोड़ा सा था टाँकी में, आज वो पानी छोड़ दिए, वो पानी क्या बोलते हैं आज आया, लेकिन मैंने सुबह से ऐसा काम करी कपड़े धो डाली, जो कपड़े धो के नीचे भेजे हुए थे वो कपड़े धो डाली, पानी ख़त्म हो गया। तो चलो इसको सेट कर देती हूँ, कहीं पर कभी कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, गिरना नहीं रखा नहीं, लेकिन कैसे डर लगता मोबाइल है ना, और कभी नीचे गिर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं। आपने मैंने चाक कहाँ रखी, अभी मैं चीज़ें रख के भूल जाती पूरी देखा रखती है चाकू, पीछे रखी और भूल भी हूँ कटर रखती हूँ। उसको जो है हम क्या बोलते हैं ऐसे कुटर देंगे, अभी देखो एक पत्ता डालूंगी ना और कहीं दीवाने हो जाएंगे। चिड़िया रानी बड़ी सी रानी, अभी तो डर लग रहा है वो लोग को, लेकिन अभी खाना शुरू कर देंगे। तो हमारी तोती को देखते हैं क्या करवाते हैं हमारे, वो ऊपर से देख रही है मुझे मैं कर क्या रही हूँ, उसको क्यों नहीं डाल रही हूँ वो सोच रही है। उसे खींच खींच के खा रही है, इसको ना खोल के ही डालना पड़ेगा, इसका जो पिंजरा है ना उसको खोलती हूँ। अभी ना काटने लगी है, मतलब अगर थोड़ा सा भी मतलब नहीं क्या अंदर हाथ डालो ना पिंजरे में तो काटने लग जाती है, इसलिए इसको काटने का मौका नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। अभी भाजी खा रही थी लेकिन अभी मैंने वो मटकी डाली ना तो मटकी के नाच में लगे, ये देख चलो गाइस अभी चिड़िया को डालते हैं क्या बोलते हैं पत्ता। तो मैं सोच रही हूँ उसको क्या बोलते हैं काट के थोड़ा सा काटती हूँ फिर डालती हूँ। लोग ऐसे अक्खा अक्खा भी डाले तो खा रहे वो लोग, लेकिन काटना ज़रूरी है, काट के डालेंगे ना तो लोग आराम आराम से डाल पर बैठ के खा सकते हैं। हमारी जो तोता है वो जो है थोड़ा बड़ा है साइज़ में, और तो इसकी वजह से वो पूरा अक्खा पकड़ के खा सकती है, लेकिन चिड़िया जो है छोटी छोटी है ना तो वो पकड़ के नहीं खा सकती, इसलिए हमको उसको काट के डालना पड़ेगा। और ये उधर सो रहे हैं इसके लिए मैं इनको कुछ कर दूँगी, थोड़ा आराम से काट कर दी हमारी पूरी पालक। तो अब हम डालेंगे आधा ऊपर वाली चिड़िया को आधा नीचे। चलो 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 खाना आ गया, खाना आ गया तुम्हारा।
तो गाइस यहाँ पर भी खाना डाल दी मैंने, इन लोग को भी डाल दी, देखो कैसा खा रहे। और मैं बैठी हूँ चाय का इंतज़ार में, ये उठेंगे तो मैं चाय बनाऊँगी, लेकिन अब देखो उठते उठे थे लेकिन सो गए वापस से। मैं नमाज़ के लिए मुहज वगैरह करी हूँ तो उठे थे लेकिन वापस सो गए। अरे मटकी डालना भूल गया, मैं मटकी डाल देती हूँ। आज के ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं, बहुत हो गई क्या बोलते कुकिंग और 11 दिन में इसकी के साथ मस्ती। और ये अभी उठे भी नहीं है, अभी उठेंगे तो चाय वगैरह दूंगी इनको, फिर शाम हो जाएंगे, फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा। तो बस कल से जो है ब्लॉग फिर से शुरू होगा, मैं एक दिन के साथ नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो तब तक इन्हें दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।